पिज्जा डिलीवरी ट्रेन। एक गांव में एक पिज्जा शॉप हुआ करता था। उसमें बहुत सारे डिलीवरी बॉयज काम करते थे। वे लोग पिज्जा को देकर बाइक पर स्कूटर पर जाकर डिलीवरी करके आते थे। उस सारे डिलीवरी बॉयज में एक था अमर। अमर भी अपने स्कूटर पर पिज्जा डिलीवरी करता था। अमर बहुत गरीब था। उसके माता पिता थे, दोनों बुजुर्ग थे, तो उनका देख रेख सब वही करता था। अमर कभी कभार एक अमीर लड़के को पिज्जा डिलीवरी करता था। वो लड़के का नाम था सौरभ। सौरभ भी अमर को टिप अच्छा खासा ही देता था, इसीलिए सौरभ का पिज्जा डिलीवरी कब आएगा ये बड़े आस से अमर इंतजार करता था। एक दिन फिर से सौरभ का पिज्जा डिलीवरी करने का अवकाश मिला। अमर खुशी से जाकर सौरभ को पिज्जा डिलीवरी किया। सौरभ फोन पर बात करते हुए पिज्जा घर के अंदर लेकर चले गया। अमर, ये क्या, बिल के पैसे नहीं दिया, टिप भी नहीं दिया, शायद भूल गया होगा, कहकर वहीं खड़ा था। फिर सौरभ हड़बड़ी में बाहर आकर, ओह सॉरी, पैसे देना भूल गया। खैर, मेरी एक मदद करोगे? अभी मेरा एक दोस्त फोन मिलाया, वो ट्रेन में पूना जा रहा है। वो अपने गांव से ही गुजरती है ना, उसे ट्रेन में फूड पसंद नहीं आया, इसलिए ये पिज्जा उसे दे दोगे क्या? अगर तुम ये मदद कर दिए तो मैं तुम्हें 2000 दूंगा। यूं कहा अमर। सर, इसमें क्या है सर, पिज्जा दीजिए। आपका दोस्त कौन से ट्रेन में आ रहा है, उसका सीट नंबर बताइए, वैसे ट्रेन कितने बजे की है? यूं पूछा। सौरभ पैसे देकर सब बताया। बस अमर स्कूटर लेकर स्टेशन के लिए निकल पड़ा। स्कूटर से वो आराम से प्लेटफॉर्म पर आ गया। वो कुछ देर इंतजार किया, फिर वो ट्रेन वहां आकर रुकी। अमर पिज्जा लेकर उस कंपार्टमेंट के पास जाकर एक लड़की को वो पिज्जा दिया। तब वो थैंक यू कहकर टिप के तौर पर 500 रुपए दी। अमर और खुश हो गया। ट्रेन के जाने के बाद, आहा, सौरभ सर ही अच्छे हैं सोचा, लेकिन उनके दोस्त भी इतना अच्छे हैं, यूं सोचा। ऐसे एक और दिन अमर जाकर सौरभ को पिज्जा डिलीवरी किया। वो फोन पर बात करते हुए घर में चले गया। अमर, आहा, उस दिन भी ऐसा ही हुआ, कहीं आज भी पिज्जा ले जाकर ट्रेन में देने के लिए बोलेंगे शायद, यूं सोचा। इतने में सौरभ आकर, शिट, पैसे देना भूल गया। अमर, कल तुम जाकर एक लड़की को पिज्जा दिए ना, वो जाकर हमारे फ्रेंड सर्किल में सबको बोली, बस ये रूट में जाने वाले सारे लोग पिज्जा चाहिए यूं बोल रहे हैं। अब वही फोन आया, जरा यूं कुछ कह रहा था तो अमर, समझ गया सर, समझ गया, आपके दोस्त के पास जाकर पिज्जा देना है, वही ना, बताइए सर डिटेल्स, यूं कहा खुशी से। सौरभ पैसे देकर सारा इन्फॉर्मेशन बताया। अमर स्कूटर लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुँच कर ट्रेन का इंतजार किया। ट्रेन आई, अमर जाकर एक लड़के को पिज्जा दिया तो वो 1000 रुपए टिप दिया। अमर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन से सौरभ के पास से पिज्जा ऑर्डर आना ज्यादा हो गया था। अमर पिज्जा ले जाकर देना, वो फोन पे बात करते हुए अंदर जाना, फिर बाहर आकर पैसे देकर फ्रेंड को पिज्जा देना है यूं कहना, फिर अमर जो इंसान को देने बोला उसे पिज्जा देना, उसका टिप देना, ये सब होने लगा। हाथ में पैसे लेकर अमर बहुत खुश हो जाता था। एक दिन रेलवे स्टेशन में पिज्जा दे रहा था तो अमर को और लेने वाले वो इंसान को पुलिस वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। एसआई पिज्जा बॉक्स लेकर ओपन करके देखे तो उसमें पिज्जा नहीं ड्रग्स था। वो देखकर अमर डर गया। सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच में बेकसूर हूँ सर, कहते हुए सब बताया। तब एसआई, ओह तो वो जब घर के अंदर जा रहा था तो बॉक्स में ड्रग्स देकर तुम्हारे हाथों बेच रहा था, पैसों की आस में तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, पहली गलती है इसलिए छोड़ रहा हूँ, उसका घर कहाँ है दिखाओ, यूं कहा। इस तरह सौरभ के साथ साथ जो भी लोगों ने ड्रग्स खरीदे वे सब जेल में डाल दिए गए थे।